शहंशाह अकबर के दरबार में एक फारसी हकीम हुए थे अबुल फतेह गिलानी। हुक्का उन्होंने ईजाद किया था, ये तो हिस्ट्री की बात है। दरअसल एक हुक्का यहाँ भी है और ये क्लेम किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुक्का है। इसकी खासियत क्या है ये भी जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इस प्रचार में बिल्कुल नहीं हूँ कि टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग करनी चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग हुक्का पीते हैं उनके लिए हुक्के की जानकारी मैं दे दूँगा। ये हुक्का बड़ा है, ये इनसे मैं बात करवाता हूँ। दरअसल ये इन्होंने यहाँ लगाया है, ये हिसार में इस वक्त पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान है, वहाँ एक आयोजन हो रहा है, प्रदर्शनी लगी हुई है, झूले लगे हुए हैं, वहाँ ये नुमाइश इसकी की गई है। इनकी दुकान हालांकि दूसरी जगह है। ये जो हुक्का है भाई साहब, नाम बता दो पहले तो आपका। विकास नाम है भाई साहब। विकास भाई, ये जो हुक्का है इसमें 5 चिलम लगी हुई हैं और इस पर आपने लिखा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुक्का। वाकई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुक्का? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुक्का है और इसमें करीबन 15-20 लीटर पानी आवा है और मतलब हिंदुस्तान का कैश क्रॉप इसमें सबसे बड़ा हुक्का है। तो ये 15-20 लीटर में पाइप परमानेंट लगा के छोड़ना पड़े है? ना ना, परमानेंट को नहीं, जुगर वैसे तो खाली हो नहीं, एक जना बता यो पानी का लेवस है तो टूटी के जरिए आराम से पानी खाली हो जाए, अभी कोई तकलीफ को नहीं आओगी। ये सारी चिलम एक के टाइम में चल रहे हैं, बारी बारी नंबर आओ इनका? ना ना, एक टाइम पर चलाना चाहो तो एक टाइम पर चला लो 500, और बाकी अगर 4 चलानी है 3 चलानी है जितनी मर्जी उतनी चलाओ, कोई दिक्कत। वो तो जो घूट भरेगा तो वो 5 चिलमा की ताकत जाएगी उसके में, मतलब जोर तो पूरा होगा। हाँ, 5 चिलमा की ताकत जाओगी पूरी, बाकी जो पीण में है उसमें इतना जोर को नहीं आओ, जो नॉर्मल होगा उससे थोड़ा ज्यादा जोर तो आएगा। देखो भाई, इतना बड़ा होगा है तो जोर तो मांगेगा। एक बार से लगाए पाछे कितनी देर चल जाए? यो नु मान लो एक बस लगाया बस पूरी रात दोबारा बनने की जरूरत को नहीं होती इसने। हाँ, अच्छा दूसरी बात, ये आपने इस पे लिख रखा था बोला भी बुकिंग के लिए भी संपर्क कर लें, तो यो मोल दे हो किराए पे दे हो कैसे के है? यो ज्यादा अगर तो बुकिंग पे चल रहा है, बाकी जिसने मोल लेना है मोल भी दे वहाँ। इसकी कीमत और बता दो, जो लोग देख रहे होंगे दूर दूर के लोग, कितने का तैयार होता है? ये करीबन 50,000 रुपया में तैयार हो जी। हाँ, और जो किराए पे दो, जब किराए पे दे वहाँ तो 5100 रुपये किराया है इसका, साथ में एक हमारा जो बंदा है वो जाओगा साथ में भरन वाला, और तम्बाकू मारा अप डाउन मारा। तम्बाकू भी तारा? हाँ। कै पर भरो, कितना पियो? कितना पियो पूरी रात, कितना पियो एक दिन खातर मारा। इसकी हुक्के की खासियत, अभी बड़ा हुक्का है तो कोई तम्बाकू की भी खासियत है के? हाँ, तम्बाकू की भी खासियत है, तम्बाकू इसमें अलग प्रकार से दरिया जाओ है और अलग ही तम्बाकू हो इसका। किस तरह दरिया है इसमें? अगर जो मीठा ही शौकीन है तो मीठा डालगा तम्बाकू आओ है, एक कई जने कड़वा पिया अगर है तो कड़वा भी आओ है, मतलब जिसा चाहो उसा तम्बाकू। अच्छा, फर्क क्यों है, मतलब इस हुक्के की घोट को भरा है और जो दूसरा एक सिंपल हुक्का जिसपे एक चिलम हो है सीधा पदरा हुक्का ऊपर तो पानी भरते हैं, उसमें इसमें फर्क क्या है? उसमें इसमें ये फर्क है, पीण में जुगर एक तो इसने पूरी रात चला दोबारा भरने की जरूरत को नहीं होती, एक पीण में टेस्ट भी बहुत अलग है क्योंकि ज्यादा पानी वाली ज्यादा पानी आओ इसमें तो बाजन का ही बहुत फर्क रहेगा इसमें। हाँ, अच्छा पी तो एक टाइम में एक आदमी से कहे चिलम बेसक 5 हो, मतलब 5 पीण की जगह जुगाड़ नहीं इसमें, 5 जने पी ले इकट्ठा? ना ना, ऐसा नहीं है इसमें एक आदमी पी सके है। हाँ, बाकी नू है भी वो बड़ा है तो कई आदमी घूम ही जाओ उसमें बढ़िया डाल चल लगा। यो घूमन का की इसमें बैरिंग लगा रखे है? हाँ, इसमें नीचे बैरिंग है और फिर की बोले इसने तो गारंटी भी है किस बैरिंग की, यो जाम हो जा कदे नहीं हो जा? ना गारंटी इसकी, यो 5-10 साल तक कितने जाम को नहीं हो बैरिंग। सर जो लोग इक्विपमेंट लेते हैं ना 1 साल की गारंटी मिलती है, इस हुक्के की 10 साल की गारंटी बता रहे भाई, कहता भी बैरिंग जाम हो जा या और भी कि मैं कमी आ जाए इसमें, को पानी लीक होने लग जा कि मैं? देखो या जो लकड़ी हो या बहुत स्पेशल लकड़ी हो है, अरीडा की लकड़ी बोलो जिसने। क्या की लकड़ी है? अरीडा की। हाँ, तो इसमें ना तो बांस हो इस हुक्का में कदे भी और ना ही पट है, इसकी गारंटी हो है। और जो फिरकी वाला बोलो आप है तो फिरकी वाला की भी गारंटी है, अभी जाम को नहीं हुआ। लगा रखी है सॉकेट या खेचन के वास्ते लगा रखी है पीने वास्ते या यो पानी गालने वास्ते लगा रखी है? या है पानी निकालने खातर। अच्छा, इसको साफ करना हो दोबारा पानी भरना हो तो उसका ड्रेन है ये? हाँ, वो पानी निकालने वास्ते है। इसकी पूरी सफाई करनी हो कितने टाइम के बाद सफाई करनी पड़ती है? सफाई इसकी 6 महीने में करनी पड़े है, बाकी पानी तो रोज गालना निकालना पड़े है, बाकी सफाई 6 महीने में करनी पड़े। इसकी चिलम को स्पेशल है, वही चिलम है जो दूसरे हुक्का पे लगे हैं? नहीं नहीं, मतलब अगर इस पर स्पेशल चिलम भी आऊँ इसकी, बाकी तो नॉर्मल चिलम तो रखी हैं, बाकी गोरछी वाली चिलम बोल रहे हैं वे लागेंगे इसके ऊपर। हाँ, दूसरी बात ये है, ये मेला तो थोड़े दिन का है जड़ो कद रखा है। हाँ, कोई 10 दिन पाछे आना चाहो तो कित मिले? 10 दिन पाछे आना चाहो है तो अपनी एक ब्रांच तो है हांसी में और एक ब्रांच है इसार में। इसार में बस स्टैंड के पीछे 2 नंबर गली है, उसमें है अपनी शॉप और हांसी बस स्टैंड के पीछे है। फोन नंबर बता दो जो लोग फोन करके पूछना चाहो पूछ सकें सीधा।
98129-52802 एक नंबर तो यो है पापा का नंबर है यो, और एक नंबर मेरा है 98-96-95-81-42। कुल मिला के हुक्का मैंने आपको दिखाना था, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुक्का बता रहे हैं। पीन का जुगाड़ यो है। हाँ, पीन का जुगाड़ लड़की कहीं लगा ले है तो इस पर लाग जाए लड़की आके। लड़की लगाना चाहो है तो नलकी भी लाग जाए है, स्टील की नलकी भी आओ है, के एक प्लास्टिक की भी आओ है, अलग अलग नलकी आओ भी लगाना चाहो तो लगा। बात और है तो इसको तो खड़ा खड़ा पीना पड़ेगा, बैठ के तो नहीं पी सकते। हाँ, खड़ा खड़ा पीना पड़ेगा, बाकी नलकी लगाया बस बैठ के पीस कहाँ भी, और अगर खड़ा खड़ा पीना पड़ेगा बाकी। खड़ा हुक्का एक प्रकार का, यो बड़ा भी हुक्का है खड़ा भी हुक्का है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और आप देखते रहे एक बात पोस्ट। नमस्कार।